तलाक तलाक तलाक। आप सोच रहे होंगे कि ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस तो खत्म हो चुकी है, तो फिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। तो सबसे पहले मुस्लिम रिलीजन जो है उसका वो ओरिजिनेट हुआ था 7th century में, और आज के टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब 1.8 बिलियन पीपल इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड में टोटल मुस्लिम्स हैं दे कंप्राइज ऑफ 24.1% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मुस्लिम लॉ के अंडर मैरिज को निकाह बोलते हैं, और कुरान के अकॉर्डिंग, जो होली कुरान है उनके अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है उसको सिन माना जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर डाइवोर्स हो रहा है तो उसका एक सेट प्रोसीजर और कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ तलाक की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बाय द एक्ट ऑफ हस्बैंड, और इसका फर्स्ट टाइप है तलाक ए अहसन। तलाक ए अहसन के अकॉर्डिंग एक बार तलाक बोला जाता है, दैट इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ 3 months, मतलब 90 days एंड 3 menstrual cycle। अगर इस वक्त के बीच में दोनों हस्बैंड वाइफ जो डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं वो कंज्यूमेट कर लेते हैं या कोहैबिट कर लेते हैं, तो ये जो डाइवोर्स है वो रिवोक हो जाता है। दूसरा टाइप है तलाक ए हसन। इसके अकॉर्डिंग जो 3 बार तलाक बोला जाता है और वो भी 3 months के टाइम पीरियड के ओवर। यहाँ पर अगर इस बीच में या फर्स्ट टाइम तलाक बोलने के बाद और लास्ट तलाक बोलने से पहले कभी भी वाइफ हस्बैंड कॉन्ज्यूमेट करते हैं या कोहैबिट करते हैं तो तलाक रिवोक हो जाता है या डाइवोर्स रिवोक हो जाता है। इसके बाद आता है तलाक ए बिद्दत, यानी एक बारी में तलाक 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 बोलकर डाइवोर्स कर दिया जाता है। लेकिन 2019 में आप सभी जानते होंगे दोनों ही हाउस से पास किया गया एक एक्ट आया, एक्ट का नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, और इसके बाद तलाक ए बिद्दत या फिर पॉपुलरली कहे जाने वाला ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस कम्प्लीटली बैन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद अगर हम कुछ और फॉर्म्स ऑफ तलाक की बात करें तो आता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को आप खुला भी बोल सकते हैं और बोला जाता है। इसमें ये इंस्टीट्यूट किया जाता है वाइफ के थ्रू, और ये जो है दोनों ही पार्टीज टू मैरिज यानी हस्बैंड वाइफ अपनी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेते हैं। उसके बाद आता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन के में पिटीशन डलता है, और पिटीशन डलने के बाद कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड पे जो है तलाक ले लिया जाता है। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं या कुछ स्पेशल पॉइंट आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो। थैंक यू वेरी मच।